आज मैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर पहला संख्या पद्धति लेके पुनः उपस्थित हूँ। इस चैप्टर का हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है संख्या पद्धति के बारे में बताए थे, नंबर सिस्टम के बारे में, उसमें संख्या का परिभाषा और एग्जांपल देखे थे। आप यदि उस वीडियो को देखते हैं तो यह मैथ बनाना बहुत ही सरल है। आइए इस सवाल को हम लोग ये देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, मतलब ये हुआ कि हमको जो है सत्य या असत्य चुनना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए और कारण भी बताना है कि कैसे सत्य है या फिर जो कैसे असत्य है। आइए इसका जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब इसका ये हो गया जितना अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होगी। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो है वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होती है, यानी यदि परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या भी होगी और अगर अपरिमेय संख्या है तो वह भी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे और कारण में हम लोग देंगे कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है या समूह होता है, संग्रह होता है। यह हो गया एक का पहला कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं। कह रहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब यहां पे यह हो गया कि संख्या रेखा पे जितना जो है बिंदु है, चाहे वो जीरो है या धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है, रूट एम के रूप का होता है, जहां एम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यहां पे आइए इसका थोड़ा सा रफ करते हैं लोग कि एम के बारे में बोला है कि एम क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और जैसे एम प्राकृतिक संख्या हुआ, इसका मतलब एम का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह जो है अनंत तक हो सकता है। अब ये क्या रहा कि रूट एम बोला, इसका मतलब रूट वन ये भी हो सकता है या रूट टू ये होगा या रूट थ्री होगा या रूट फोर इसका वर्गमूल 2 इस तरह का सारा संख्या या रूट नाइन होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या का जो वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं तो हमेशा ये जो धनात्मक संख्या ही हो रही है, लेकिन ये क्या करा है कि रूट एम यानी एम का प्राकृतिक संख्या का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वो जो है क्या होगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु होगा। और संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या है कि जीरो भी है, धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है और सारे भी संख्या उसमें होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी जो है इसका वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आ रही है, इसलिए यह क्या हो गया, ये असत्य हो गया। दो नंबर क्या हो जाएगा, दो नंबर में असत्य हो जाएगा। कारण इसका जो हम लोग लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं होती। अगर यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकाले थे, ऋणात्मक संख्या भी आता तो ये जो है सवाल सत्य होता, लेकिन सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ आ रहा है धनात्मक संख्या, इसलिए क्या होगा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होगा। अब आइए इसका जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें कराया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह गलत है। क्यों? क्योंकि जो है वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय नहीं होगा,
वास्तविक संख्या परिमेय भी होगा, क्योंकि इसका परिभाषा से ही पता चल रहा है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। तो यह भी क्या हो गया, यह भी असत्य हो गया। और इसका हम लोग जो है कारण लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, संख्या भी हो सकती है, इस तरह हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 का एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, इसका जवाब होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, आइए हम लोग वो देखते हैं। ये कह रहा कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, हम लोग कुछ धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अब कह रहा कि इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, तो 1 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 1 का वर्गमूल 1 आया, और 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, और 1/1 क्या हो गया, p/q के वर्गमूल हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह हम लोग जो है 2 को लेके देखते हैं, तो 2 के वर्गमूल का चिन्ह देंगे, ये क्या हो जाएगा, √2 ही रहेगा, और √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। फिर इसी प्रकार हम लोग जो 3 लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, ये भी क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। फिर हम लोग जो है 4 लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल 2 आया, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, यह p/q के रूप में है, इसलिए इसको हम लोग जो है परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या किए, धनात्मक पूर्णांक लिए और इस धनात्मक पूर्णांक का क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं पे ये वर्गमूल परिमेय आ रहा है और कहीं पे क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, यानी दोनों प्रकार की संख्या हो रही है। लेकिन ये कह रहा था क्या, इसी पर क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, इसलिए इसका जवाब क्या हो गया, नहीं हो गया। आगे कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। हम लोग को जो है एक उदाहरण भी देना है, मान लिया जाए कि हम लोग जो है 9 एक धनात्मक पूर्णांक के लिए, अब क्या करेंगे कि 9 का वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये 3 आ रहा है, और 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में है, यानी ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, कह रहा था कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक धनात्मक पूर्णांक हम लोग 9 लिए और इसका वर्गमूल निकाले तो क्या निकल गया, परिमेय संख्या। इस तरह जो है ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यह क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया हम लोग। आइए अब इस एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या को, शून्य को, ऋणात्मक संख्या को हम लोग निरूपित करने के लिए पहले से जानते हैं। आज हम लोग जो क्या करेंगे, रूट वाली संख्या देखेंगे कि रूट वाली संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं, संख्या रेखा खींच लिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 0 मान लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह जो है आगे भी हो सकता है। हम लोग क्या किए, संख्या रेखा खींच लिया, इसमें 0, 1, 2, 3 मान लिए। हमको जो है सिद्ध करना है वो √5 को दिखाना है। संख्या रेखा पे किसको दिखाना है, √5 को दिखाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ले, मतलब माना कि OA बराबर 2 ले लेते हैं, तो O इसको मानते हैं मूल बिंदु को, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग क्या किए, 2 मान लिए। यहाँ पे हम लोग O देते हैं और यहाँ A दे लिए, तो OA बराबर हम लोग कितना ले लिए, 2 ले लिए, 2 इकाई, 0 से 1, 1 से 2, हम लोग क्या किए, 2 ले लिए। अब क्या करते हैं
कि जो है बिंदु ए पे ए बी लंब डालते हैं, ए बी लंब डालते हैं ओ एक्स पर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए बी लंब डाले किस पे, ओ एक्स पर, ए बी जो है लंब डाले हैं ओ एक्स पर, और ए बी बराबर भी हम लोग क्या लिए हैं, वन यूनिट लिए हैं, वन इकाई लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ओ से बी को मिलाएंगे, ओ से बी मिलाया, ओ से क्या किया हम लोग बी को मिला दिए, ओ से जब हम लोग बी को मिला दिए हैं ये जो लंब डाले थे यहाँ पे, अब क्या हो गया कि ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज बन गया है, ओ से बी मिलाए, अब क्या हो गया त्रिभुज ओ ए बी प्राप्त हुआ जो क्या हो गया कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि ए बी लंब डाले थे ओ एक्स पर और ए बी का भी मान हम लोग क्या किए थे वन माने। अब हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ओ ए बी में देखते हैं कि ओ बी क्या हो गया, ओ बी एक प्रकार से कर्ण हो गया और कर्ण बराबर होता है यानी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा ओ ए पे स्क्वायर प्लस ये ए बी पर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और हम यहाँ क्या किए हैं कर्ण पे स्क्वायर नहीं दिए हैं, इस पर क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा, ये पाइथागोरस परिमेय से होता है। अब ओ ए का मान कितना है टू है तो टू पे स्क्वायर, और ए बी का मान कितना है वन, ये वन पे स्क्वायर। इस तरह ये कितना हो गया चार हो गया, वन पे स्क्वायर कितना होगा वन होगा, चार एक पाँच। ओ बी बराबर कितना हो गया रूट फाइव हम लोग को प्राप्त हो गया, यानी ये जो ओ बी है ये ओ बी ये कितना हो गया रूट फाइव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ओ को केंद्र मानेंगे और ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे, और ये चाप क्या होता है कि संख्या रेखा पर बिंदु सी पर ये जो है प्रतिच्छेद कर रही है, यही जो बिंदु सी होगी यही जो है रूट फाइव को निरूपित करेगी। अब ये जो आगे हम लोग काम किए इसको भी हम लोग जो है भाषा में लिख देते हैं। भाषा में क्या लिखेंगे कि नाउ मतलब अब ओ को केंद्र तथा ओ को केंद्र तथा त्रिज्या ओ बी लेकर चाप खींचे जो संख्या रेखा को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है, करती है, अतः बिंदु सी रूट फाइव को निरूपित करेगी, यही हो गया इसका आंसर। इस तरह हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है देख लिया।